नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज बात करेंगे, क्या आपके बिना विपक्ष का मजबूत मोर्चा बन सकता है। दरअसल विपक्षी एकता पर आम आदमी पार्टी यानी आपने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती तो आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। अब आपने कांग्रेस के सामने एक नई शर्त भी रख दी है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी को तीसरी बार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आप नेता ने कांग्रेस के संविधान को बचाने के मिशन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को यह घोषणा करनी चाहिए कि वो तीसरी बार राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएगी और विपक्ष को मजबूर नहीं करेगी विपक्ष को, अगर ऐसा वो करती है तो। दरअसल देश के हित में ये संविधान को बचाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह ने 23 जून को नीतीश कुमार द्वारा पटना में बुलाई गई विपक्षी दलों की मेगा बैठक में हिस्सा लिया। आप नेता संयुक्त बयान के लिए बैठक में नहीं रुके और दोपहर के भोजन के बाद वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली से आपने एक बयान जारी कर कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर आपका समर्थन नहीं करती तो कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैठक में जहां केजरीवाल ने सीधे राहुल गांधी से बात की और उनसे मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का आग्रह किया, तो वहीं राहुल गांधी ने उनसे कहा कि अध्यादेश पर चर्चा करने की एक प्रक्रिया होती है। बैठक में मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को चाय या दोपहर के भोजन पर मतभेदों को दूर करना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी की इस नई शर्त को कांग्रेस मानेगी, इसके आसार तो कम ही हैं। इससे ये कयास भी तेज हो गए हैं कि आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। तो आपके बिना विपक्ष का जो मोर्चा है वो कितना मजबूत हो सकता है, क्या आम आदमी पार्टी के बिना ये मुमकिन है कि विपक्षी एकता की बात कही जा सके? क्या इस बीच विपक्ष की एकता को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं? क्या आपके बिना विपक्ष का मजबूत मोर्चा बन सकता है? तो आज की चर्चा इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पैनलिस्ट से चर्चा आज विपक्षी दलों को लेकर कितनी मजबूती, इसी पर हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। कुंवर अजय सिंह हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर टीना, आप इसे कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, क्योंकि कांग्रेस के इर्द गिर्द पूरी की पूरी विपक्षी मजबूत विपक्षी एकता, विपक्ष किस तरह से मोर्चा संभालेगा इसको लेकर घूम रही है। बार बार एक बात सामने आ रही है कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभानी है, कांग्रेस को आगे नेतृत्व करना है, लेकिन बड़ा सवाल ये, बैठक होती है एक तरफ विपक्ष की मजबूती को लेकर, थोड़ी ही देर बाद आम आदमी पार्टी कह देती है कि अगर कांग्रेस ने बात नहीं मानी तो संभव नहीं हो पाएगा इस एकता के साथ चलना। क्या कांग्रेस सोच रही है, क्या करने वाली है? जी देखिए पूजा जी, कांग्रेस ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई है। आप देखिए आम आदमी पार्टी को लगातार पिछले डेढ़ या कहें दो साल से जब भी मीटिंग हुई है, खड़के जी के यहाँ आवास पर हुई हो या कहीं भी मीटिंग हुई हो, आम आदमी पार्टी को हमेशा एक भागीदारीता दी है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को हम क्यों ना कहें बी टीम, भाजपा की बी टीम क्यों ना कहें, क्योंकि देखिए लगातार इससे पहले भी आप देखेंगे कि जब केजरीवाल जी एक समय में पोस्टर लगाते थे जहां ऊपर जो है देश के प्रधानमंत्री की फोटो, नीचे केजरीवाल जी की तस्वीर है, वो सबने देखी है। और लगातार जो है कांग्रेस के नेताओं को लगातार ये पानी पी पी कर गालियां देते रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा के बारे में क्या क्या बोला गया था, भ्रष्टाचार को लेकर किसने शुरुआत की, ये तो राजनीति में नया विकल्प दे रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को ही गालियां दी हैं लगातार। उसके बावजूद भी हमने अपना दिल बड़ा रखा और हमने इनके, और हमने तो कहा भी था कि जब संसद में बैठेंगे तब इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इनको पता नहीं किस बात की जल्दी लग रही है, क्योंकि ये जो विपक्षी एकता जो ये एक बैठक हुई थी इसके अंदर जो है हम कोई राज्य के इश्यूज नहीं उठा
उठा रहे थे, हम लोग विधानसभा के इश्यूज नहीं उठा रहे थे, हमारा मेन उद्देश्य जो है बीजेपी हटाओ देश बचाओ है। लेकिन इनकी अलग ही कहानी चल रही है जिसकी बदौलत ये लोग आज जो अभी इतने ज्यादा बिखर रहे हैं कि एकदम उबल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ हमारे साथ वैसा हुआ। बट ये अकाउंटेबल इस समय ये होंगे क्योंकि ये लगातार कह रहे हैं कहीं प्रियंका गठबंधन की कमेटी राहुल गांधी से हमेशा राहुल गांधी आवाज उठाई है, केजरीवाल जी तो बस अपना ही रोना रोते रहते, जब उनको देश की जनता दिल्ली की जनता ने वोट दिया है उनको काम करना चाहिए। इससे पहले क्या कोई और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से सीखना चाहिए, खुद वो अधिकारी रही है अधिकारी है, उनको पता होना चाहिए किस तरीके से काम करना चाहिए। मुझे ये बातें सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि कल तो बड़ी बड़े शगुफे छोड़े जा रहे थे विपक्षी एकता को लेकर, बहुत सफल रही ये कहा जा रहा था, बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही थी और कल पूरे दिन इसको लेकर हम भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज एकदम से फिर से विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठना, फिर से वही सवालों का दौर शुरू होना। बहरहाल संगीता जी, आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस का विकल्प बनकर कई राज्यों में उमड़ी, वो देखा दिल्ली में भी यही सब हुआ, पंजाब में भी यही सब हुआ। उसके बाद आप बात करते हैं एकता की, एकता के लिए बैठक भी होती है, पहुंचते भी हैं आप, बड़े चेहरे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, फिर आखिरकार कहां पर पेच चढ़ रहा है, क्यों बातचीत सफल नहीं हो पा रही है, आखिरकार कांग्रेस से इतनी दिक्कतें क्यों? किसी से नहीं है और राज्य की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। दिल्ली में अगर हम हैं, पंजाब में अगर हम हैं, तो बंगाल की बात करें वहां ममता जी हैं, तो कांग्रेस वहां नहीं है। तो देखिए राज्यों की एक अलग अलग परिवेश है और लोकसभा का चुनाव एक अलग है। और रही बात की अभी आम आदमी पार्टी, तो देखिए 12 तारीख अभी दूर है और ये फैसला हम यहाँ बैठ करके आपके चैनल पे नहीं कर सकते कि अभी हाईकमान की क्या बात होगी, उनके बीच में क्या आगे निकल करके आएगा, तो इस पर मैं कुछ भी कहूँ तो वो एक टिप्पणी होगी। और देखिए पूजा जी, जब एक बड़ा काम करना होता है तो सबको दिल बड़ा करना होता है और हम एक अध्यादेश के लिए शुरू से सभी नेताओं के पास गए, कांग्रेस इसमें देरी कर रही है, उन्होंने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। लेकिन संगीता जी सवाल यही तो उठ रहा है ना कि सिर्फ अध्यादेश तो मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के आगे संगीता जी यही तो सवाल है ना, यही तो वो बातें हो जाती है, यही तो वो महत्वाकांक्षाएं हो जाती है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर पार्टियां इतनी हावी हो जाती है कि वो बड़े मुद्दों को भूल जाती है। जितने लोग होंगे परिवार में, जितने लोग होंगे सारे भाइयों के अलग अलग विचार होंगे और उन विचारों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि सबके विचार अलग होंगे। आज तक देश में बहुत सारी पार्टियां रही, सबके अपने अपने छोटे छोटे मतभेद है और उनको एक जगह पर बैठकर बुलाया भी जाता है। पूजा जी राजनीति में समय और परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं और बहुत कुछ बदलता है। तो अभी भविष्य में क्या होगा ये आने वाले गर्त में छिपा है, इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। ठीक है संजय जी, इस बीच लगातार ममता बनर्जी एक रेफरी की भूमिका निभाती हुई नजर आई, बैठक में भी हमने देखा किस तरह से टीएमसी इस पूरे मामले को लेकर सुलझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के बिना, क्या आपके बिना विपक्ष का मजबूत मोर्चा संभव है? देखिए पहली बात तो ये है कि दल की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है और जब देश की लड़ाई होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिनके सामने आते हैं। कांग्रेस ने ना नहीं बोला है, ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने ना नहीं, इसलिए एक प्रक्रिया होती है। राहुल गांधी जी विदेश में थे, बाहर थे और राज्यों में, जैसा कि आप पार्टी ने कहा है, कांग्रेस बंगाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, कांग्रेस सब जगह है, देश के हर कोने में है, कहीं कमजोर है कहीं ताकतवर है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन है हर जगह उसकी उपस्थिति है। और जहाँ पे कुछ इशू होते हैं, बंगाल में भी यह है, अधीर रंजन चौधरी का कुछ इशू है, पंजाब में भी है, बंगाल में भी है, तो ये इशू कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, वो वहाँ के नेताओं की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको कांग्रेस सॉर्ट आउट करके ही उसको उसके बारे में बात कर सकती है। वहाँ अधिनायकवादी नहीं है कि एक बार साहब ने बोल दिया तो सब एक साथ वही बात बोल रहे हैं। तो लोकतांत्रिक पार्टी है, अपने लोकतंत्र के हिसाब से कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। और उन्होंने ना नहीं बोला है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उन्होंने ना नहीं बोला। लेकिन संजय जी आम आदमी पार्टी तो कह चुकी है ना ये कि संभव नहीं हो पाएगा, अगर आप अध्यादेश पर समर्थन नहीं देंगे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये छोटे छोटे मैंने कहा ना, बहुत छोटे इशू है, दल नहीं बड़ा देश बड़ा है। आम आदमी पार्टी अगर ये बात समझ जाएगी तो अपने आप हम लोग की लाइन में वो क्लियर हो जाएगी। और अभी तो बहुत सारे कई और दल हैं जो इस समय संपर्क में हैं, जो अगली मीटिंग में आप देखेंगे कुछ दल और बढ़ेंगे,
भी आ रहे हैं हम लोगों के साथ, क्योंकि उनको जब पहला मीटिंग देखने के बाद उनको भरोसा हुआ कि हाँ कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो भी अपना उसको अपना सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहते हैं, और वो कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, तो वो भी हैं, तो इसीलिए जो है हम आम आदमी पार्टी को जो है ऐसा नहीं छोड़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, और जो भी कुछ मतभेद है उसको बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। देश सबसे बड़ा होता है, दल बड़ा नहीं होता, देश है तो हम हैं, वरना इसके बाद तो फिर काले कानून और लागू होने लगेंगे, सबके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, लेकिन राज्य के इशू हैं, कुछ छोटे छोटे इशू हैं, तो राज्य के इशू को राज्य के नेताओं के साथ मिलकर के बैठ करके कांग्रेस बिल्कुल संजय जी यही तो सवाल है ना कि जब तमाम राज्यों के पार्टियों के अगर ये छोटे छोटे इश्यूज इतने बड़े बन जाएं, अगर ये इस तरह से बनते जाएं, तो क्या बीजेपी जैसा एक बड़ा चैलेंज उसको आप निपटा पाएंगे, क्या उससे आप निपट पाएंगे, ये सवाल फिर उठने लगता है। बात आज की जा रही है क्या आम आदमी पार्टी के बिना विपक्षी मोर्चे की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, विपक्षी एकता संभव है या नहीं, ऐसी को लेकर खास चर्चा। हमारे साथ जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, के त्रिपाठी जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। के त्रिपाठी जी, आज बात विपक्षी एकता की हो रही है, लेकिन विपक्षी एकता के साथ साथ बैठक तो आप बता रहे सकारात्मक रही, पॉजिटिव रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के बिना क्या आपको लग रहा है संभव हो पाएगा इसको देखना, क्योंकि वो स्पष्ट कर चुकी है कि अगर कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया अध्यादेश को लेकर तो फिर काफी पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी साथ में रहना। साथ ही एक बड़ी बात भी ये कह दी कि जब कांग्रेस राहुल पर तीसरी बार दाव लगाएगी तो भी वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम साथ नहीं रहेंगे। पूजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग हुई 23 तारीख को पटना में वो बहुत ही सकारात्मक बैठक थी, उसमें सारे लोगों ने 3 निर्णय लिया है, हम सब साथ में रहेंगे, साथ में लड़ेंगे, और आगामी 10 और 12 तारीख को कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम होगा, और 12 तारीख को जो बैठक होगी शिमला में, उसमें तमाम बिंदुओं पे फिर चर्चा होगी, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसमें 440 सीटों पे हम कैसे 1-to-1 फाइट करेंगे, और दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय ये हुआ जो सकारात्मक रहा कि देश में पहली बार विपक्षी दल के लोगों को एक मंच पर लाने में माननीय नीतीश कुमार ने अहम भूमिका अदा की, और पहला तो इससे ताकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी बेचैनी हो चुकी है जिस बैठक की सकारात्मक हो जाने से, बैठक सक्सेसफुल हो जाने से उनके अंदर बेचैनी हो गई, तो किस बिहाव पर इसको त्रिपाठी जी सक्सेसफुल कहा जा रहा है, किस बिहाव पर कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी तो स्पष्ट कर चुकी है, आप पार्टी कैसे आप इसको कह रहे हैं कि बहुत सक्सेस रही है, ही नहीं वो उस दिन उस मुद्दे में क्या है जो संविधान की रक्षा के लिए तो हम लोग बैठकें कर रहे हैं, बेसिक चीज तो वही है, हमको लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमने बैठक की थी, वो किसी राज्य के मुद्दों को हम महत्व उस पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बैठक सिर्फ इसी पे थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 से कैसे सत्ता से बाहर किया जाए, उसमें सवाल ही नहीं था, लेकिन इस सवाल को कहा भी गया, हमारे नेता ने कहा पार्टी है, राज्य की पार्टियां हैं, वो फिर अपने अपने मुद्दे लेकर बैठी हैं, आइएगा गौर है ये सब सवाल, यहाँ तो सवाल पहली है कि हमारी विपक्षी एकता हो, हम भारतीय जनता पार्टी जी अगर पहले ही बता दिया गया था तो फिर ये नौबत क्यों आई कि आम आदमी पार्टी को ये कहना पड़ गया आपको, अगर आप कह रहे हैं पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था तो फिर क्यों अपने अपने मुद्दे लेकर बैठे हैं, देश का मुद्दा पहले और अन्य राज्य के मुद्दों पे कोई बहस नहीं होगी। संगीता जी जब पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था अध्यादेश जैसा कोई मुद्दा ही नहीं था, उसके बावजूद भी फिर बार बार क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है संगीता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से? पूजा जी मेरा काम खत्म हो गया कभी और? जी रुकिए थोड़ी देर त्रिपाठी जी, कुछ मिनट और, उसके बाद फिर जरूर इजाजत लेंगे आपसे, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी देखिए पूजा जी, जब सारे दल एक साथ बैठते हैं और सारे दल उस प्लेटफॉर्म पे एक साथ बैठे और मीटिंग को खूबसूरती के साथ किया गया, तो सबके मन में जो विचार है या राज्यों को लेके जो समस्याएं हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म पर जरूर आएंगी, और वो बात की गई, चाहे अब्दुल्ला जी ने 370 की बात की हो, चाहे फिर अभिरंजन जी ने कांग्रेस के जो है उन्होंने बंगाल की बात की हो, तो देखिए चीजें आएंगी, इससे छोटे छोटे मुद्दे आएंगे, इससे ये मतलब नहीं है कि हम ये कह दें कि अभी विपक्षी एकता खत्म हो चुकी है या महागठबंधन नहीं होगा,
तो जो भी चीजें हैं वो अभी और सामने आएंगी। देखिए 12 की मीटिंग में फिर कहूंगी कि दूर है, अभी कांग्रेस ने इस पर स्टैंड क्लियर नहीं किया है तो ना भी नहीं किया है। अभी बैठकर इस पर शीर्ष नेतृत्व तो बात करेगा, जो भी फैसला होगा वो आपके और हमारे सबके सामने होगा। तो विपक्षी एकता देश से जो नहीं, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कह देना कि विपक्षी एकता तभी संभव है जब कांग्रेस राहुल पर तीसरी बार दाव नहीं लगाएगी। संगीता जी, अब इन बातों से क्या स्पष्ट हो रहा है? एक तरफ आप कह रही इंतजार करना होगा, दूसरी तरफ पहुंचते ही दिल्ली में पत्र आ जाता है, लेटर आ जाता है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा कि अध्यादेश भी हम संविधान को बचाने की जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें साथ आना चाहिए, क्योंकि ये भी संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक काला कानून अगर दिल्ली पर लागू हो गया तो वो आगे अन्य राज्यों पर भी लागू हो सकता है। और देखिए जिस तरह से ममता दीदी ने कहा कि बैठ करके बात करके किसी भी चीज का समाधान निकाला जा सकता है, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है पूजा जी कि सब अपनी बात रख सकते हैं, सब उस पर विचार कर सकते हैं और सबका हल ढूंढ सकते हैं। हल निकालना ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। बातें होती रहेंगी और बातों को लेकर चर्चा लगातार विपक्ष करता रहेगा, लेकिन उसका कोई नतीजा भी निकलना चाहिए, तभी जो है आप कह सकते हैं कि बड़ी सक्सेसफुल रही, पॉजिटिव रही। नतीजा भी निकलेगा, समय का थोड़ा इंतजार कीजिए, नतीजा भी आपके सामने होगा। देखिए हम तो इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी कहीं इस पर मोर्चा ना मार ले वो ध्यान देना होगा। चलिए डॉक्टर टीना बोलिए, बोलिए। मुझे लगता है जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उनको उछल उछल कर आकर बाहर। ठीक है संगीता जी, डॉक्टर टीना से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पता चलता है संगीता जी, बोलिए डॉक्टर टीना जी आपसे। जी जी, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को आकर उछल उछल कर ये आकर बयानबाजी करने की बजाय धैर्य रखना चाहिए था, संयम रखना चाहिए था। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा, ये मुद्दा जो है विपक्षी एकता कोई अध्यादेश के लिए थोड़ी था। केजरीवाल जी को क्या पहले ये समझ नहीं थी? केजरीवाल जी लगातार जो है एक अध्यादेश का ही रोना रो रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, जबकि उनको संविधान बचाने पर, भारतीय जनता पार्टी को हटाने पर ध्यान देना चाहिए था कि विपक्षी एकता किस लिए हुई है। इसलिए अब्दुल्ला जी ने बहुत अच्छा पूछा उनसे सवाल, 370 में क्यों थे वो, कृषि कानून जब आए तब वो क्यों ऐसा कर रहे थे। तो समझने की जरूरत है, या तो केजरीवाल जी एक बार शांति से बैठे सोचे और फिर अपने नेताओं से भी, एक लीडरशिप से भी बात करें कि करना क्या है, या तो ये अध्यादेश के लिए लड़ते रहे या फिर विपक्षी एकता जो है और जो लोग सब बड़े नेता जो शीर्ष नेता है वो जुड़ रहे हैं उनके साथ रहे, ये इनको तय करना है। अकाउंटेबल ये रहेंगे, कांग्रेस पर दबाव बनाने वाले कौन है, ये कौन है? हम सब दबाव की राजनीति ना की जाए। संजय जी आप हम लोग सत्ता में रहे हैं इतने समय से, बिल्कुल पर दबाव बनाने वाले ये लोग कौन है? ठीक है दबाव की राजनीति ना हो, लेकिन होता विचारों को रखने को दबाव नहीं कहा जाता, दबाव में राजनीति नहीं होती। ट्वीट कर अपनी बात रख सकते हैं, दबाव नहीं है। संजय जी, रेफरी की भूमिका निभानी होगी आपको, सौंपा जा सकता है। संजय जी सबसे बड़ी पार्टी है, रेफरी की भूमिका में आइए और बताइए जरा कि विपक्षी एकता तभी संभव है जब कांग्रेस राहुल पर तीसरी बार दाव नहीं लगाएगी। कितने सहमत नजर आ रहे हैं इससे? देखिए पहली बात तो ये है कि ना पहली बार कांग्रेस ने राहुल गांधी को 2014 में कोई दाव नहीं लगाया था, कोई चेहरा उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया था राहुल गांधी को, उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे और उनको प्रोजेक्ट किया गया हुआ था। दूसरी बात, जब 2019 का चुनाव हुआ था बीजेपी हारते, वजह से पुलवामा कांड ना हुआ होता तो जो है वो विपक्ष की सरकार ही बनती, लेकिन पुलवामा कांड करवा करके सैनिकों के शहादत पे वोट लेकर के बीजेपी ने एक दांव खेला और देश की जनता को इमोशनल किया। ठीक। तो वो वहां पे, तो ये कहना गलत है कि राहुल गांधी के चेहरे पे, राहुल गांधी जी एक परिपक्व नेता है और उनके भाषणों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से और पढ़े लिखे इंसान है, तो पहली बात हम लोग को कहीं किसी को इतराज नहीं। और अभी पहली बात तो प्रधानमंत्री की लड़ाई है ही नहीं, ठीक है, इसी तरीके से प्रधानमंत्री के कोई कौन चेहरा बनेगा ये लड़ाई नहीं है। हाँ, हर पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, इसीलिए ये बातें खुल करके आ रही है और लोकतंत्र होना भी चाहिए पार्टी के अंदर। हर नेता को अगर वो बोल रहा है तो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखे वो मीडिया पे आकर के ना बोले, अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर के बोले, अपने प्लेटफॉर्म चर्चा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन चर्चा के बीच चर्चा जरूर होनी चाहिए। संजय जी ठीक कहा आपने, लेकिन चर्चा का कोई नतीजा निकलना चाहिए, चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए कि हम कैसे एकजुट हैं। चर्चा में अगर आप अपनी कमियां, अपनी खामियां निकालने लग जाएंगे तो फिर एकता किसी परिवार में, किसी पार्टी में कहीं नहीं दिखेगी।
परिवार को जब हम सजो कर रखते हैं। देखिए कार्ड हमारी पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, हमारी पार्टी में कोई भी जो है बिना ममता जी की इजाजत से कोई आकर के कोई बयानबाजी नहीं करता पार्टी के खिलाफ, तो या एकता के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करता। क्यों? क्यों? क्योंकि ये चीज हम लोगों का कार्डर में सिखाया जाता है कि आपको पार्टी लाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए पार्टी लाइन के हिसाब से कौन चलता है, क्या होता है आगे, और जो मिशन एकजुटता का विपक्ष दिखा रही कितना कामयाब होगा देखना होगा, भविष्य के गर्भ में छुपा है वो। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का, पैनलिस्ट का, हमारे साथ आज की विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।